तो दोस्तों आज मैं शेयर कर रही हूँ फूली फूली एकदम खस्ता करारी बिना आलू सूजी मसाला पूरी। बहुत टेस्टी आती है दोस्तों और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती है और बिल्कुल नए तरीके से आज इसको बनाना बताऊंगी आप सबको बिल्कुल आसानी से, ताकि 5 मिनट में बनके खस्ता करारी पूरी बनके तैयार हो जाए। तो इस रक्षाबंधन पर आप लोग जरूर बनाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमें ले लिया है दोस्तों कढ़ाई, अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब हम तेल। तेल को हो जाने देंगे हम गरम बढ़िया से। जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा, और जीरा को भी हम अच्छे से चटक जाने देंगे। तो जीरा हमारा देखिए चटक गया है अच्छे से, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तिल। हमने वाइट वाला सफ़ेद वाला तिल लिया है दोस्तों, उसको हम डाल देंगे। इनको भी अच्छे से तड़कने देंगे, और देखिए जब ये भी दोनों चटक जाएंगे अच्छे से बढ़िया से, तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग जरूर डालिएगा, इन पूड़ियों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये सूजी मसाला पूरी ही दोस्तों बहुत टेस्टी आता है। तो देखिए सारे हमारे बढ़िया पक गए हैं, अब इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो इसकी जगह चिली का पाउडर भी डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी, जितना तीखा पसंद है उतना तीखा डालिए आप। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम कटा हुआ प्याज हमने ले लिया है छोटा सा, उसको हमको बारीकी से काट लिया था, इसको भी हम डाल के बढ़िया से इसको हमें भूनना है। तो हमें इसे लाल नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल से हल्का इसको हमें कच्चा ही रखना है। बस 2 मिनट के लिए हमें इनको भूनना है ताकि हल्का से सॉफ्ट हो जाए। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए ना दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी मसाला पूरी। तो ये देखिए प्याज हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं इसको हमने लाल नहीं किया है बिल्कुल भी, ये कच्चा ही है हल्का सा, बस सॉफ्ट हो गया है प्याज। इसी तरीके से हमें प्याज को भून लेना है जब तक कि प्याज हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए तो बस हो गया है प्याज हमारा, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया से। अब इसमें हमें थोड़ा सा मसाले डालने हैं, तो थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और डाल देंगे क्योंकि थोड़ा तीखा रहेगा चटपटा ये पूरी हम बना रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। ये मसाला पूरी है दोस्तों, इसमें हमने देखिए मसाला ज़्यादा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और फिर डाल देंगे इसमें 1 गिलास के करीब पानी। पानी आप अपने इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, जितना आपको पूरी बनाना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। देखिए हमने 1 गिलास के करीब डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि मसाला पूरी है तो नमक तो डालना ही है। यह ऐसी पूरी है ना दोस्तों, किसको आपको चटनी या आपको दही की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सूखा ही खाइए, बहुत टेस्टी आने वाला है ये करारे खस्ते पूरी, क्योंकि बिल्कुल नए तरीके से बनाना बता रही हूँ दोस्तों, बहुत टेस्टी आता है ये सूजी मसाला पूरी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम इसी तरीके से चलाएंगे जब तक के लिए पानी में उबाल ना आ जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट लगेगा दोस्तों, पानी में बढ़िया से उबाल आ जाएगा। ये देखिए बढ़िया से उबाल आने लगा है पानी में, देख सकते हैं आप लोग। तो गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है दोस्तों, और धीमे ही गैस पे हमें देखिए हमने ले लिया है 1/2 कटोरी सूजी। 1/2 कटोरी सूजी ले लिया है दोस्तों, इसको हम डाल देंगे पानी के अंदर, ये देखिए इस तरीके से, और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से चलाएंगे दोस्तों, ये देखिए इसी तरीके से लगातार हम चला लेंगे दोस्तों सूजी को। ये देखिए बढ़िया से ये सूजी मसाला पूरी है, बहुत टेस्टी आती है दोस्तों, बिल्कुल नए तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, क्यों एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेंगे। तो देखिए हमने गैस को बंद कर दिया है दोस्तों, गैस को बंद करके इसको हमें 5 से 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे ढक के रख देना है ताकि सूजी बढ़िया से फूल जाए, क्योंकि वैसे पानी गर्म है सूजी बहुत ही जल्दी फूल जाएगी। तो चलिए 4 से 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें 5 मिनट हो गया है सूजी को छोड़े हुए, देख सकते हैं कितना बढ़िया से फूल गई है, ये देखिए पानी में बढ़िया से मिक्स हो गई है, देख लीजिए सूजी बहुत ही बढ़िया से फूल गई है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमने ले लिया है दोस्तों गेहूं का आटा, तो 1 कटोरी हम डाल देंगे गेहूं का आटा। ये देखिए अगर कम लगा तो हम बाद में फिर से थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हम डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं आटे को। ये मसाला पूरी खाने में बहुत ही अच्छी आती है दोस्तों, इसलिए इस रक्षाबंधन पे आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी आने वाली है। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा आटा हम और ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा बैटर गीला है, डो हमारा नहीं बनेगा अच्छे से इसलिए। और इसको हम बढ़िया से हाथों से
मस लेंगे। तो चलिए हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो एक से डेढ़ कटोरी हमने आटा ले लिया है दोस्तों, इतने में हमारा बहुत ही बढ़िया से डो बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हो तो आप इसमें हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दोस्तों। मैं तो बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें एक डो बना कर तैयार कर लेना है बढ़िया से। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो बना है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से डो बन के तैयार हो गया है आटे का, ये देखिए। तो इसे हमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं है कि 5 मिनट रखना है, 10 मिनट रखना है। आटा हमारा बहुत ही बढ़िया से सन के तैयार हो गया है, देखिए गूंथ लिया हमने बढ़िया से। तो चलिए बनाना इसका शुरू करेंगे पूरी, मसाला पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने थोड़ा सा ले लिया है हाथ में आटे को, इसको बढ़िया से गोल गोल लोई हम बना लेंगे सभी आटों को। देखिए दोस्तों, हल्का सा मोटी ही लोई रखनी है दोस्तों, इससे बहुत ही बढ़िया पूरी हमारी खस्ता करारी बन के तैयार होती है। तो देखिए, इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा सा ले के लोई बना लेंगे। तो हम सारे आटे का लोई इसी तरीके से बना के रख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे आटे का लोई बना के रख लिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी तरीके से आपको भी बना के रख लेना है, फिर इनको हम गोल गोल पूरी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इनको हम बेल लेते हैं और पूरी का शेप दे देते हैं। तो देखिए, हमने ले लिया है पूरी के, पूरी बना लेते हैं इसे दोस्तों। ये देखिए, इसी तरीके से बढ़िया आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है दोस्तों इसको बनाने में। ये देख सकते हैं आप लोग, अगर आपको थोड़ा चिपक रहा हो तो आप सूखा आटा लगा सकते हैं या थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से बन जा रहा है। देखिए, इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना मोटा हमने रखा है, हल्का सा मोटा ही है पूरी हमारा, तभी ये खस्ता करारी पूरी बनके हमारी तैयार होगी दोस्तों, फूली फूली से। तो देखिए, इसी तरीके से हम बेल के रख लेंगे पूरी पूरियों को। देखिए, सारे पूरियों को हम बेल के चलिए रख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से बन रही है पूरी हमारी, देख सकते हैं आप। ये देखिए, हमने पूरियों को बेल के रख लिया है दोस्तों, सभी पूरियों को एक बराबर हमने बेल के रखा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए, हमने तेल रख दिया था पहले से गर्म होने, तेल हो गया है हमारा गर्म दोस्तों, ये देखिए। तो हम इसमें डालेंगे पूरियों को और बढ़िया से छान लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया फूली फूली आज हमारी पूरियाँ बन के तैयार होंगी दोस्तों, वो भी खस्ता करारी पूरी मसाला वाली, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बढ़िया से फूलेंगी हमारी पूरियाँ। आप एक बार बनाएंगे ना दोस्तों, तो आपको रोज़ बनाने का मन करेगा। आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में देने के लिए बना सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया फूली हुई पूरियाँ बनके तैयार हुई है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं प्लेट में, ये बहुत अच्छी आती है दोस्तों खाने में। तो इसी तरीके से देखिए, हम पूरियों को छान लेंगे, दूसरी पूरी को भी हम इसी तरीके से छान लेंगे। देखिए, बढ़िया फूली फूली से भाई पूरी बनके तैयार होंगी। तो ये है सूजी की मसाला पूरी दोस्तों, जो कि बहुत टेस्टी आती है खाने में। आपको इसको चटनी और या तो दही किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सूखा ही खाइए, बहुत टेस्ट आता है। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, उनके आप स्कूल में टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत टेस्टी आता है पूरी। देखिए, हमारी दूसरी पूरी भी कितनी बढ़िया से तल के तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप, कलर भी कितना बढ़िया आया है। और हमारी खस्ता करारी पूरी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को बना के रख लेंगे दोस्तों। ये देखिए, हमारी दूसरी पूरी भी बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार हो गई है। देखिए, हमने इसी तरीके से और भी पूरियों को छान लिया है। तो इसी तरीके से सारी पूरियों को छान लेना है दोस्तों हमको। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से और जल्दी झटपट बनके तैयार हो जाता है, कि आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी बनाए ना, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। टाइम हो कम तो आप बनाइए सूजी मसाला पूरी, बहुत टेस्टी आएगा। तो देखिए, हमने सारी पूरियों को छान के रख लिया है दोस्तों, देख सकते हैं कितनी बढ़िया फूली फूली करारी पूरी बन के तैयार हुई है हमारी। ये देखिए, बहुत ही अच्छी पूरी है, टेस्ट में बहुत टेस्टी आता है दोस्तों। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत खस्ता करारी पूरी बनके देखिए तैयार हुई है। कोई नहीं बोलेगा कि आपने इसको सूजी से बनाया है, बहुत टेस्टी आता है। देखिए, अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से खस्ता करारी पूरी हमारी बनके तैयार हुई है। तो ना ही इसके लिए हमें दही चाहिए, ना ही चाय चाहिए, ना ही चटनी चाहिए, ना ही सॉस चाहिए। आप इसको इसी तरीके से खाइए, बहुत अच्छा आता है। और एक बार जरूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।